पंजाब के शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब में सरकार ने शराब को सस्ता करने का फैसला लिया है। शराब टैक्स में कटौती से शराब की कीमतों में 30 से 40 फीसदी तक की कमी आई है। शराब पर लगने वाले टैक्स के चलते चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्यों से पंजाब में बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। इससे सरकारी राजस्व में लाखों रुपए का नुकसान होता है। पंजाब में तस्करी पर लगाम लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के दाम कम करने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से बियर, विस्की और अन्य शराब के दाम 30 से 40 फीसदी तक कम हो गए। रॉयल स्टाग विस्की की 750 मिलीलीटर की बोतल की पहले कीमत 500 रुपए थी, अब वही बोतल 420 रुपए में मिलेगी। साथ ही 250 ml की बोतल की कीमत 150 रुपए हो गई। मैकडॉवेल की कीमत 400 रुपए हुआ करती थी, वही अब शराब 280 रुपए में मिलेगी। पीटर स्कॉट विस्की की 750 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 480 रुपए थी, लेकिन अब ये सिर्फ 290 रुपए में उपलब्ध होगी। रॉयल चैलेंज विस्की जिसकी कीमत 500 रुपए थी, अब घटाकर 360 रुपए कर दी गई है। इस बीच राज्य सरकार के इस फैसले से शराब की तस्करी पर लगाम लगने की संभावना है। पड़ोसी राज्यों और चंडीगढ़ से पंजाब में बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी की जाती है। ये शराब पंजाब में अवैध रूप से बेची जाती है। नतीजन राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। शराब की तस्करी पर लगाम लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने शराब पर टैक्स कम करने का फैसला लिया। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश तोर की खबरों का सहनसा। मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।